अगर आप कभी सूरत गए हैं या वहां के रहने वाले हैं तो आप डूमस बीच पर जरूर गए होंगे। डूमस बीच जो दो वजहों से काफी मशहूर माना जाता है, पहला वहां की रहस्यमय काली रेत और दूसरा अपने भूतिया हादसों को लेकर। जी हाँ, डूमस बीच यानी भूतों का बसेरा, ऐसा मैं नहीं वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। लेकिन अहमदाबाद की रहने वाली अनन्या शाह और उसके दोस्त शायद वहां के खौफनाक किस्सों से पूरी तरह से बेखबर थे। साल 2005 के 19 अक्टूबर को अनन्या अपना 25वां बर्थडे मनाने वाली थी अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ। उस साल अनन्या अपना बर्थडे डूमस बीच पर सेलिब्रेट करने का प्लान कर रही थी। वो पहली बार अपने दोस्तों के साथ अहमदाबाद से बाहर घूमने जा रही थी। जाहिर है कि वो और उसके फ्रेंड्स इस ट्रिप को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे और खासकर वहां की काली रेत की खूबसूरती को देखने के लिए। अपने बर्थडे से एक दिन पहले अनन्या अपने दोस्तों के साथ अहमदाबाद से निकलने की पूरी तैयारी में थी, मगर एंड मौके पर उसकी एक फ्रेंड ने कॉल किया और इस ट्रिप पर चलने से मना कर दिया। हेलो हेलो अनन्या, तूने मेरा मैसेज चेक किया? नहीं यार, क्यों, क्या बात है, पैकिंग हो गई तेरी? वो एक्चुअली सॉरी यार अनन्या, मैं तुम लोगों के साथ डूमस बीच नहीं चल पाऊंगी। क्या हुआ यार, ऐसे लास्ट मोमेंट पे प्लान क्यों कैंसिल कर रही हो? यार देख, डूमस बीच ना सेफ नहीं है, मेरी मानो तो कहीं और चल लेते हैं, पर डूमस बीच नहीं। सेफ नहीं है का क्या मतलब, साफ साफ बता ना क्या बात है। अनन्या मुझे पता है कि तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, पर मैंने बहुत लोगों से सुना है वो जगह हॉन्टेड है। और अनन्या ये मजाक नहीं है, मेरी सूरत वाली कजिन ने खुद मुझे बताया है। तू पागल है क्या, तेरा मतलब कि वहाँ भूत है? देख यार, अब पूरा प्लान सेट हो चुका है, होटल की भी बुकिंग हो गई है। अगर तू नहीं जाना चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूंगी, पर कम से कम ऐसे बच्चों वाले बहाने तो मत बना। अनन्या की दोस्त ने उसे डूमस बीच की सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, मगर अनन्या पर उन बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। हम अक्सर भूत प्रेत से जुड़ी कहानियों को मजाक में ले लेते हैं और अनन्या ने भी यही गलती की। लेकिन उसकी बर्थडे वाली रात को कुछ ऐसा हुआ जो वाकई किसी हॉरर फिल्म की कहानी से कम नहीं लगेगा आपको। 18 अक्टूबर के दिन अनन्या अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ सूरत के लिए निकल गई और वहां होटल पहुंचते ही सबसे पहले सारे फ्रेंड्स आपस में रात की पार्टी की प्लानिंग करने लगे, जिनमें से अनन्या की एक दोस्त रिया का आइडिया सबको बहुत पसंद आया और यहीं से हुई उस खौफनाक रात की शुरुआत। ओए अनन्या, एक मस्त आइडिया आया है, हम रात की पार्टी यहाँ होटल रूम में नहीं करेंगे, इतनी बोरिंग नहीं होने देंगे तेरा 25th बर्थडे। यहाँ नहीं फिर कहाँ रिया, सस्पेंस क्यों बना रही हो, सीधे सीधे बता ना। अब जब घूमने आए ही हैं तो सेलिब्रेशन भी थोड़ा अलग होना चाहिए। मैं सोच रही थी कि यहाँ रूम में केक ना कट करके बीच पर चलें, कितना मजा आएगा ना। हाँ यार, रात के 12 बजे बीच पर केक कट करने का मजा ही कुछ और होगा, बट उससे पहले हम सब डूमस बीच पर सनसेट देखने चलेंगे। इस दौरान एक पल के लिए अनन्या को अपनी उस दोस्त की बात याद आई। वो जगह हॉन्टेड है और अनन्या ये मजाक नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों की तरह अनन्या भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए वो देर रात बिना किसी डर और शंका के अपना बर्थडे उस भूतिया डूमस बीच पर मनाने के लिए तैयार हो गई। उस रात 12 बजे से कुछ देर पहले ही अनन्या और उसके दोस्त जब बर्थडे केक काटने के लिए बीच पर पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर एक सेकंड के लिए सब सन रह गए। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे सालों से वो बीच वीरान पड़ा हो। लेकिन वो सब उतने ही खुश भी नजर आ रहे थे, क्योंकि अनन्या और उसके फ्रेंड्स पहली बार अपने ग्रुप में किसी का बर्थडे इतने एडवेंचर ढंग से सेलिब्रेट करने जा रहे थे। सारे फ्रेंड्स वहीं बीच पर बैठकर 12 बजने का इंतजार कर रहे थे कि इस बीच अनन्या को अचानक वहां कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी, जैसे एक नहीं
कई लोग आपस में बात कर रहे हो। पहले उसने मोबाइल टॉर्च की रोशनी से अपने आसपास देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। उस समय तो वो इसे अपना वहम मानकर वापस अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लगे, लेकिन इस बार वो आवाजें और भी तेज आने लगी। तभी वो अपने बाकी दोस्तों को भी उस आवाज पर गौर करने को कहती है। यार यहाँ कोई और भी है क्या? नहीं तो, और तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, और हमारे अलावा कौन इतनी रात को बीच पर होगा? हाँ ये बात भी है, पर मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही है। तू भी ना यार, हम लोगों के शोर के बीच तुझे कहाँ से आवाजें सुनाई दे रही है? अनन्या के दोस्तों को वहाँ समंदर की लहरों और कुत्तों के भौंकने के अलावा कोई आवाज नहीं सुनाई देती है, यानी वो आवाज सिर्फ अनन्या को ही सुनाई दे रही थी। सब वापस अपनी बातों में लग जाते हैं, लेकिन अनन्या सबके साथ होकर भी उसका ध्यान किसी और ही तरफ होता है। उसका मन और भी बेचैन होने लगता है जब अलग अलग दिशाओं से उसे आहटे सुनाई देने लगी। वो यही देखने के बहाने अपने दोस्तों के बीच से उठकर आसपास टहलने लगी, मगर वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था कि तभी उसके दोस्त उसे केक काटने के लिए बुलाने लगते हैं। ये सब तो कुछ भी नहीं था जब केक काटते समय अनन्या के सारे दोस्त पीछे से ताली बजा रहे थे, तो उसमें से कुछ तालियों की आवाज दूसरी दिशा से आ रही थी। अनन्या इस बार बहुत घबरा जाती है और वो अपने दोस्तों से यहाँ से चलने को कहती है। यार अब तो केक भी कट कर लिया, चलो चलते हैं ना यहाँ से। अरे पर तू इतनी डरी हुई क्यों है? इतना मजा तो आ रहा है यहाँ पर, कितना सुकून है। मैं तब से कह रही हूँ यहाँ कोई है, एक बार सुनने में गलती हो सकती है पर बार बार नहीं, प्लीज चलो यहाँ से। मुझे लगता है अनन्या तूने कल रात को कोई हॉरर मूवी देख ली होगी, इसलिए फालतू चीजें चल रही है तेरे दिमाग में। एंजॉय कर यार। अनन्या को यूं डरते हुए देख उसके सारे दोस्त उसे देखकर मजाक में हंसने लगते हैं, लेकिन इस हंसी के बीच किसी की सिसक कर रोने की आवाज आती है, और इस बार ये आवाज सिर्फ अनन्या को ही नहीं बल्कि वहां पर मौजूद उसके सारे दोस्तों को भी सुनाई देती है। वो रोने की आवाज समंदर की तरफ से आ रही थी। बहुत साहस करके जब अनन्या और उसके दोस्त समुद्र किनारे उस आवाज का पीछा करते हुए देखने गए, तो वहां रोती हुई एक औरत खड़ी थी, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। क्योंकि ऐसा भयानक दृश्य किसी ने भी हकीकत में शायद न देखा हो। उस औरत के पैर असल में हवा में थे। जमीन से 2 फीट ऊपर खड़ी वो औरत लगातार बस रोती जा रही थी। ऐसी शक्ति किसी इंसानी शरीर में होना तो नामुमकिन था। उस भूतिया औरत को देखकर सबकी चीख निकल जाती है, और वहीं अनन्या को अब यकीन हो जाता है कि डूमस बीच पर वाकई भूत प्रेत का साया है। अनन्या के दोस्त काफी देर तक मदद के लिए चीखते चिल्लाते हैं, पर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता सिवाय उन आत्माओं के। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज पर वहां लोग नहीं बल्कि चारों तरफ से भयानक दिखने वाले मुर्दा शरीरों ने उन्हें घेर लिया। ऐसे में सब एक दूसरे का हाथ थामकर धीरे धीरे अपने कदम पीछे कर और आगे बढ़ने लगते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो भूतिया औरत उन लोगों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। वो औरत हवा में उड़ते हुए उन लोगों का तब तक पीछा करती है जब तक कि वो बीच को पार नहीं कर लेते। अनन्या और उसके दोस्त जैसे तैसे जान बचाकर वो काली रात होटल में गुजार लेते हैं और सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इस बेहद डरावने एक्सपीरियंस के बाद न सिर्फ अनन्या बल्कि उसके सारे दोस्त डूमस बीच का नाम लेने से भी कतराते थे, और शायद यही वजह है कि गुजरात का डूमस बीच टूरिस्ट के मुताबिक इंडिया के सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है।
जहां सनसेट के बाद भूले भटके से भी शायद कोई नहीं जाता।